मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो बात रखी थी वो डंके की चोट पर रखी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में जनता सब जानती है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिस ढंग से अमित शाह के बारे में हल्की बात कही है, मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी माफी मांगेंगे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते थे। दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक दिखाई देती है, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा है तो आप उनका समर्थन ले रहे हो। दिग्विजय सिंह जी ने जिस ढंग से अमित शाह जी के बारे में हल्की बात कही, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी माफी मांगेंगे। अमित शाह जी ने जो बात रखी वो डंके की चोट रखी। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते रहे और जिस ढंग से वो बात रखते थे केजरीवाल के बारे में, मैं कुछ डेट भी बता सकता हूँ। 20 अक्टूबर 2012, यही दिग्विजय सिंह जी, इन्हीं ने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। 13 जून 2015, दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि नौटंकी का मास्टर है। आपने क्या क्या नहीं बोला अरविंद दिग्विजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा तो आप अपनी आपकी एक बड़ी नेता से समर्थन ले रहे हो लोकसभा राजगढ़ में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।